फिरोजाबाद में एक विवाह कार्यक्रम में पहुंचे शिवपाल यादव। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बात करी। शिवपाल का एक बार फिर झलका दर्द। उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी से उन्हें अपमानित बार बार किया गया, किनारा किया गया, इसलिए उन्होंने पार्टी बनाई। अखिलेश उनकी पार्टी को बीजेपी की भी पार्टी कहते हैं। इस पर उन्होंने कहा, अखिलेश मोर्चा बनाए, वो क्यों डर रहे हैं, और उन्हें भी पार्टी में शामिल करें, वो चुनाव लड़ेंगे उनके साथ, पर एक शर्त है कि पार्टी का नाम प्रगतिशील समाजवादी पार्टी होगा, उसमें उन्हें 50% शेयर भी चाहिए। राम मंदिर पर उन्होंने कहा, बीजेपी का चुनावी मुद्दा है, आम सहमति बनानी चाहिए थी, नहीं बनाई सरकार ने, तो अब कोर्ट ही फैसला करेगा। समाजवादी पार्टी के विधायक पद से इस्तीफा देने पर उन्होंने कहा, वक्त आने पर सब किया जाएगा, अभी समय नहीं आया है। मुलायम सिंह पर कहा, उन्हीं के कहने से पार्टी बनाई थी, हमने उन्हें अपनी पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए कहा है, अगर वो लड़ते हैं तो ठीक है, अन्यथा हमारी पार्टी सभी जिलों से लड़ेगी, पर एक जिला छोड़कर, जहां मुलायम सिंह खड़े होंगे। राजा भैया से अच्छे संबंध हैं, पर अभी उनसे कोई बात नहीं हुई है। फिरोजाबाद से साहिल खान की रिपोर्ट। हमेशा हर जगह आपसे एक ही सवाल पूछा जाता है, आप चुनाव कहाँ से लड़ेंगे? वैसे तो ये तो पार्टी तय करेगी कहाँ से लड़ेंगे, लेकिन चुनाव हम अबकी बार पार्लियामेंट का लड़ेंगे। कहाँ से लड़ेंगे? और जहाँ से पार्टी तय करेगी, और अगर यहाँ के वर्कर और जनता अगर चाहेगी तो हम जरूर उस बात पर विचार करेंगे। आपने अभी तक समाजवादी पार्टी की सदस्यता छोड़ी नहीं है, आप विधायक हैं, आखिर इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे, ऐसा लोग कहते हैं। देखिए, वैसे तो हमने हमेशा बहुत दिनों लंबे समय तक समाजवादी पार्टी में काम किया है नेताजी के साथ, और पार्टी को खड़ा भी किया है, और कई बार सरकार भी बनाई है, लेकिन मुझे तो मजबूर किया गया है, अपमानित भी किया गया है, तो मुझे मजबूरन जब धकेला गया है, मैं नहीं छोड़ना चाह रहा था पार्टी, मैं नहीं छोड़ना चाह रहा था, लेकिन मुझे तो जब धकेला गया, अपमानित किया गया, तो फिर नया मोर्चा पहले तो बनाया, मैंने नया मोर्चा बनाया, अब प्रगतिशील समाजवादी पार्टी भी बनी है, तो अब काम कर रहे हैं। नहीं, आपने इस्तीफा नहीं दिया अभी तक समाजवादी पार्टी से? तब वो तो समय पर फैसले होते हैं, समय जब आ जाएगा तब फैसले हो जाएंगे। अच्छा, आपके एक बहुत करीबी है राजा भैया, ये भी एक अलग पार्टी बना रहे हैं, आपने उनसे बात की कि आपके साथ होते? देखिए, मैंने सुना है पार्टी बनाई है, लेकिन जब हमारे साथ मंत्री थे, हमारे अच्छे संबंध थे, अच्छे संबंध हैं अभी भी, लेकिन इस पर हमारा अभी कोई बात नहीं हुई है। ये 2019 से पहले राजनीतिक गतिविधियां बेहद चरम पर हैं, आपके हिसाब से क्या मंदिर निर्माण शुरू होना चाहिए, राम मंदिर? देखिए, जब कोर्ट में फैसला है तो कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए, अगर फिर सरकार को आम सहमति बनाना चाहिए था, आम सहमति पर कोई विचार किया नहीं भारतीय जनता पार्टी ने, वो तो इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी हमेशा मुद्दा बनाए रखना चाहती है, कि यही उनके पास इशू है, जब चुनाव आते हैं तभी ये मामला उठता है राम मंदिर। अखिलेश यादव, आपकी पार्टी को बी टीम बताते हैं, भारतीय जनता पार्टी की, क्या कहेंगे? देखिए, फिर मोर्चे में क्यों देर कर रहे हैं, मोर्चा बनाओ और मुझे भी शामिल करो मोर्चे में, लेकिन मेरी एक शर्त यह है कि हम प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, और मुझे मेरा जो शेयर है 50% मुझे चाहिए, और मोर्चा बनाए क्यों देर कर रहे, क्या किस बात का डर है, मोर्चा बनाने का कहे बात का डर है, क्या जज का डर है?
क्यों नहीं बनाते, बनाइए। मुलायम सिंह यादव आपके साथ हैं, कभी मंच पे नहीं दिखाई दे। देखिए, उनसे इजाजत लेकर के ही मैंने पार्टी बनाई है। इजाजत लिया, एक बार नहीं लिया, तीन बार लिया है इजाजत। और मेरे साथ आशीर्वाद है और रहेगा। आपका ये फिरोजाबाद से चुनाव लड़ने का मन बन रहा है, ये माने? मान लीजिएगा। जनता पार्टी भी उठाती है कि नेताजी खुल के नहीं आते, कभी अखिलेश के साथ कभी आपके साथ। अब समय का इंतजार करो, नेताजी का इंतजार करो, समय का इंतजार करो, सब सामने आ जाएगा। क्या लगता है नेताजी? और लेकिन मैंने ये भी तो कहा है, मैं सभी सीटों पर, एक सीट छोड़कर के 79 सीटों पर हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और जो हमारा मोर्चा है वो चुनाव लड़ेगा। और नेताजी से वैसे तो मैंने कहा है कि हमारी पार्टी से चुनाव लड़ें, ऑफर भी दिया है। और अगर नहीं भी लड़ते हैं तो हमारा नेताजी को समर्थन है और शेष सभी सीटों पर, हम 79 सीटों पर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और जो हमारे साथ हमारे मोर्चे में शामिल हैं वो चुनाव लड़ेंगे।